पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद महापौर विनोद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर अपने 8 महीनों के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाया। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 8 महीने के कार्यकाल में लगभग 2400 काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और महापौर विनोद अग्रवाल अपनी गारंटी के साथ काम पूरा करने में लगे हैं। उन्होंने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि टाइट ग्रांट और अनटाइट ग्रांट से लगभग 36,61,00,000 रुपए के कार्यों की शुरुआत की गई है, तो वहीं डोर टू डोर मैनेजमेंट का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य वित्त आयोग से 17,50,00,000 रुपए के कार्यों की सूची जारी कर दी गई है, तो वहीं उन्होंने बताया कि एयर पॉल्यूशन के लिए महानगर में साइड पट्टी का कार्य लगभग 60 करोड़ रुपए से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महानगर के हर वार्ड को चमकाने के लिए 25 लाख रुपए के कार्य हर वार्ड में लगाए गए हैं, साथ ही 7,000 नई लाइट मुरादाबाद महानगर को चमकाने के लिए जल्द लगाई जाएंगी। पहले जो 15वें वित्त की जुलाई के माह में बैठक हुई थी और 1 अक्टूबर के माह में हुई थी, और इसके अतिरिक्त चाहे वो मरम्मत के कार्य हो प्रत्येक वार्डों में, लगभग ऐसा मान के चले कि प्रत्येक वार्ड में लगभग 20-20 कार्य लगभग हुए हैं, तो 70 वार्डों में 1400 कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और 700 कार्य आगे पाइपलाइन में हैं, चाहे उसमें पेयजल का हो, पाइपलाइन वाला हो, घर घर नल और घर घर जल की जो योजना है उसके अंतर्गत कार्य हो, पथ प्रकाश के बिंदु हो, अभी मान लीजिएगा 100-100 हम जो ये बिंदु लगा रहे हैं प्रकाश, ये इसके अतिरिक्त है 7,000, तो ये भी एक एक कार्य है। मुरादाबाद में बहुत तेजी से कार्य योजना बनाकर कार्य हो रहा है और इस 8 माह के कार्यकाल में एक अभूतपूर्व महानगर में आप बदलाव देख रहे हैं, चाहे वो शहर का अंदरूनी आंतरिक गलियां हो, चूंकि जल निगम के माध्यम से पूरे शहर में जो ये सीवर का कार्य हुआ है उसमें जो अधिकतम शहर की गलियां अंदर की जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उनको भी एक बार पुनः अपने वापस सही रूप में लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और उस पर कार्य शुरू कर दिया गया। बड़े आज मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि 20 वार्डों में पहले लॉइंग कंपनी काम कर रही थी और अभी 1 तारीख से 50 वार्डों में एक नई कंपनी को ठेका दे दिया गया है, जो अयोध्या जी में और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख महानगरों में डोर टू डोर का कार्य कर रही है। 50 वार्डों में कल से ही चूंकि कार्य शुरू हुआ है, वो 2 महीने तक पहले शुरू के कार्य करेंगे और एक एक घर से कूड़ा उठाना सुनिश्चित करेंगे, इसके बाद ही उनसे कोई यूजर चार्ज लिया जाएगा। इस बीच में 2 महीने में जो भी वहाँ पर प्राइवेट लोग कार्य तो कर ही रहे थे, तो उनके साथ वो समन्वय बनाकर उनसे, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति किसी के साथ कूड़ा उठाने का कार्य करा रहा है पिछले 2 साल से 5 साल से, अब ये कंपनी आ गई है, तो अब वो कहेगा कि ये बताइए हम ये कंपनी को कूड़ा दें या आपको दें, मतलब उसको दें, तो ये आपस में सामंजस्य बना के वो चूंकि जिसका कूड़ा उठा रहा है वो पैसा तो एक ही जगह देना है उसको। और जब मेरा तो सवाल ये है कि अभी तक जो डोर टू डोर के कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा था वो लोग अवैध तरीके से उसका कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं, जो लोगों से जो पैसा वसूलते हैं वो भी अवैध तरीके से। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन कंपनियों का अनुबंध खारिज किया गया था और इस बार जो ये नया अनुबंध किया गया है इस कंपनी के साथ, उसमें उन सब परेशानियों को दूर करते हुए
उन सब नियमों को शामिल किया गया है ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो और कोई भी भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। इसलिए जो नई कंपनी को स्टार्ट किया गया है और 7 या 8 तारीख को मेरे द्वारा स्वयं उन नए 50 वार्डों का भी निरीक्षण किया जाएगा और जनता से मिलकर जो भी उनकी और दिक्कत होगी उसको आपस में सामंजस्य बनाकर उसको दूर कर महानगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम सब मिलकर जनता के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। इस तीसरे मेरे कार्यकाल के 8 महीने पूरे होने पर मोदी की गारंटी और विकसित भारत, विकसित मुरादाबाद के लक्ष्य को आगे लेते हुए हम लोग आज आपके समक्ष हैं और मुरादाबाद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अपने किए हुए वायदों को पूर्ण करने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उनके क्रियान्वयन और उनकी समीक्षा के साथ साथ आज जनता के बीच अपनी बात को हम रख रहे हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मुरादाबाद में 8 महीने में 2400 दिन और लगभग 2400 कार्यों को हम अंजाम देने जा रहे हैं जो इसी वर्ष जून के अंत तक पूरे होंगे जब हमारा 1 वर्ष पूरा होने को होगा। और क्या क्या सड़कों के अभी बारे में बता रहे थे, कितने सड़कों का काम है, 500 कुछ होता है इसके अंदर। अभी इसी सप्ताह हमने 500 सड़कें 500 सड़कें गलियां जहाँ जहाँ ज़रूरत थी अति अनिवार्य धन की उपलब्धता के आधार पर हमने लगाए। और अभी हम 6 मार्च को भी लगभग 19,76,00,000 रुपए से टाइट ग्रांट में और 13,17,00,000 की जो अभी हमें इसी पिछले सप्ताह प्राप्त हुई है उसकी कार्य योजना बनाकर भी उसको भी मुरादाबाद में कार्यों को शुरू कराया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।